Hello everyone, welcome back to another vlog. आज आप देख सकते हैं मौसम बहुत ही प्यारा मौसम है। मैं सुबह सुबह पहुंच गई हूं अपनी फेवरेट जगह पे, टॉप ऑफ द हाउस, और ये है मेरी फेवरेट सीट जहां पे मैं बैठती हूं, थोड़ी देर स्टफी के साथ बैठ के थोड़ी देर रिलैक्स करती हूं और उसके बाद जाऊंगी इसे वॉक पे लेके, देन करूंगी अपना योग क्योंकि आज मेरा योग डे है। और शूटिंग नहीं करूंगी क्योंकि अगर शूटिंग करते हैं सिर्फ शूटिंग ही होती है, एक्सरसाइज नहीं होती। इसलिए थोड़ी देर यहाँ पे बैठते हैं और फिर चलते हैं। यहाँ स्टफी मेरे साथ ही होता है मॉर्निंग टाइम में, अभी भी उवासियां ले रहा, नींद पूरी नहीं हुई तेरी गंदू। आज तुम्हें चाय नहीं मिले क्योंकि तुम रोज चाय वेस्ट करते हो, बना के रखते हैं तो पीते नहीं हो और नहीं बनाते हो तो चाय मांगते हो, इसलिए मम्मा ने आज तुम्हारे लिए चाय बिल्कुल नहीं बनाई। आपको कैसा लग रहा है? आपको चाय नहीं मिल रही है? कोई ना, हल्दी वाला दूध पी लूंगा। मैं हल्दी वाला दूध पी लूंगा। ओ आगे पापा, तुम्हें पापा आगे कहाँ है पापा? ये होते हैं अच्छे बच्चे, अपना मास्क भी साथ ही साथ धो के सुखाने डाल दो, है ना। लीजिए सर हल्दी वाला दूध। उदय जाके अपने बाल कटवा गया। आप ट्रिम करो। मैं ट्रिम नहीं करूंगी। एक मिनट में अंदर और एक मिनट में बाहर, गेट कीपर रखना पड़ेगा स्टफी तेरे लिए। हमें जा रहा है बाल कटवाने। इसके बाल देख सकते हैं आप, ये देखिए बाल है, ये बाल नहीं है, ये पूरा झाड़ बन चुका है। अब मैंने कटिंग करने को मना कर दिया कि मैं नहीं काटूंगी। ये जा रहा है अभी बार्बर के पास बाल कटवाने। क्या हुआ, पीठ दुख रही है? साइकिल में हवा भर के इस यंग जनरेशन की पीठ दुखने लग गई है भाई साहब। गर्मी बड़ी खाली रहता है। ओ माय गॉड, ये तो हालत बहुत खराब हो गई है उदय, साइकिल में हवा भरने के बाद। ओ माय गॉड, अब सांस नहीं आ रही। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, सांस नहीं आ रही उदय। तो सांस लेने के लिए जगह तो छोड़। चला जा, ड्रामे मत कर, कल से बोल रही हूँ उसको मैं बाल कटवाने के लिए। हाँ फिर बाहर चला गया। नो, अब अंदर नहीं आना, अब बाहर रहो। क्यों, बार बार अंदर बार बार बाहर? चलो एक ऑमलेट बनाने के लिए तुम दो टमाटर एक प्याज काट रहे हो। दो बड़ा ऑमलेट बनाना है, दो अंडों का एक ऑमलेट बनेगा। थोड़ी सी शिमला मिर्च डालोगे तो ग्रीन भी आ जाएगा वो ऑमलेट में। ये लो, अंदर से बाहर आ चुकी हूँ स्टफी को खाना खिलाते खिलाते, और ये रोटी बची है लेकिन इसके नखरे जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो यहाँ से वहाँ भागते हैं खाना खाते खाते, सेम यही इसका काम है। स्टफू इधर आओ। कल से इसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, फीवर भी था, लेकिन आज कुछ ठीक लग रहा है। इसने बिल्कुल कुछ भी नहीं खाया, इसलिए आज अपने हाथों से खिला रही हूँ कि एटलीस्ट कुछ तो खाए। चलो जल्दी आओ, आओ बेटा, थोड़ी सी रह गई। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश शाबाश शाबाश, बी ए गुड बॉय, बी ए गुड बॉय। सबू थोड़ी सी रह गई है, ऐसे नहीं करना। गुड बॉय, गुड बॉय, वेरी गुड बॉय, वेरी गुड बॉय, बहुत अच्छा बच्चा है ये, जल्दी जल्दी खा लेगा, जल्दी जल्दी, बस लास्ट बाइट। अभी देखो लास्ट बाइट है, लास्ट बाइट मेरे हाथ में है और ये फिर चक्कर लगा रहा है। ये लो पकड़ो, बस लास्ट है, लास्ट बाइट, गुड बॉय, गुड बॉय। इसने
इसने फिर ऊपर जाके फिर बाहर जाएगा, फिर वहां से फिर खड़काएगा मुझे अंदर आना है। पूरे दिन करता है। बाल कटवाने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है? काफी लाइट लाइट फील हो रहा होगा। लाइट लाइट क्या मतलब? हाँ, 15 किलो का वजन था नहीं वो। 10 किलो तो बाल थे तुम्हारे। 10 किलो में मैं सिर नहीं होता। मिस्टर स्टफी नहीं आना अब। नो नो। अच्छा आज जैस्मिन खाना खा लें। क्या हूँ तो आजकल मेरी बेटी बहुत बिजी हो गई है, बहुत सारा काम करने लग गई है। पापा के ऑफिस का काम भी संभालना शुरू कर दिया है, यूट्यूब पे अपना नया चैनल भी लॉन्च कर रही है, उस पर भी काम कर रही है, अपनी पढ़ाई भी कर रही है। तो देखिए मल्टी टैलेंट आ रहा है जैस्मिन में धीरे धीरे। राजमा तो जैस्मिन और उदय को अगर रोज खिला दिए जाए तो वो रोज खा सकते हैं। क्यों जैस्मिन? तो अभी खाना वाना हमने खा लिया है और मैं आ गई हूँ अपने रूम में अपना मी टाइम स्पेंड करने, और जैस्मिन ने भी अपना ऑफिस का, पापा के ऑफिस का कुछ काम खत्म कर लिया है। और अभी यहाँ बैठी बैठी ये मुझसे शिकायत कर रही थी कि मैं बहुत बोर हो रही हूँ। ऑब्वियसली बच्चों के स्कूल कॉलेज सब बंद है, फ्रेंड्स के साथ कहीं आना जाना हो नहीं रहा है, तो बोर तो होंगे। तो फिर इसीलिए आज मैंने डिसाइड किया है कि आज मैं जैस्मिन का एंटरटेनमेंट करूंगी। पूछिए कैसे? कैसे? आज जैस्मिन मेरा फेशियल करेगी। इसमें मेरा एंटरटेनमेंट कैसे हुआ? अरे तू करके तो देख, तो कितना मजा आएगा, बहुत मजा आएगा तेको मेरा फेशियल करते हुए। नो। एक तो इनकी बोरियत दूर करने के फॉर्मूले ढूंढो और ऊपर से जवाब। मेरी बोरियत कैसे दूर होगी? अरे तू करके तो देखो, बहुत मजा आता है। कुछ करो तब तो मैं मानू। तुझे मेरा फेशियल करने का मौका मिल रहा है जैस्मिन, तुझे बहुत मजा आएगा। I'm very thankful कि आपने मुझे प्रिविलेज दिया, पर मुझे नहीं चाहिए। नो। तो कौन कौन अग्री करेगा? कोई भी नहीं अग्री करेगा आपके साथ कि ये इसमें मेरा एंटरटेनमेंट होगा, इसमें आपका एंटरटेनमेंट होगा। ठीक है, मेरा एंटरटेनमेंट होगा। चलो ठीक है, तुम मेरे एंटरटेनमेंट के लिए मेरा फेशियल कर दो और तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए मैं तुम्हें पोहा बनाना सिखाऊंगी। नो कॉमेंट्स। I just need a bucket जिसमें जाके मैं छलांग मार दूँ, क्योंकि मुझे पीनट वाले पोहे की बार बार रिक्वेस्ट आ रही है। उसकी रेसिपी आज इस ब्लॉग में शेयर करूंगी और मैं जैस्मिन को पोहा बनाना सिखाऊंगी। ना माइनस नेगेटिव में इंटरेस्ट है सीखने का। एक तो मैं इसके एंटरटेनमेंट के इसको दो फॉर्मूले बता चुकी हूँ जिसमें से इसको एक भी पसंद नहीं आया। अग्री नहीं करेगा आपके साथ कि इसमें एंटरटेनमेंट हो रहा है। रेगुलरली मैं कभी फेशियल नहीं करवाती, 2-3 महीने में कहीं एक बार करवाती हूँ, और लॉकडाउन से भी शायद 2-3 महीने पहले मैंने फेशियल करवाया था, तो अभी मेरे फेस की हालत जो है काफी खराब हो गई है। स्किन केयर करो बच्चे, स्किन केयर। स्किन केयर तो मैं करती हूँ, आज जैस्मिन मेरा फेस खराब करेगी। अब जा रही है जैस्मिन मेरा फेशियल करने, फाइनली। ऐसा बिल्कुल ऐसा ही है। ये लीजिए मैडम आपकी कॉफी। मैडम से फेशियल करवाने के लिए मुझे इसे रिश्वत देनी पड़ रही है, तो इसलिए मैं कॉफी बना के लेके आई हूँ और साथ ही लेके आई हूँ हाइड एंड सीक बिस्किट। तो मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं और अब मैं जा रही हूँ जैस्मिन से फेशियल करवाने। और यहाँ पे जैस्मिन की चेयर रेडी है, वहाँ पे हमने एक पानी का कप रख लिया है, और ये फेशियल किट नॉर्मल आप लोगों के पास भी होती ही है, ऐसी कोई खास नहीं है। VLCC की नॉर्मल सी फेशियल किट मैं अपने पास रखती हूँ कि कभी जरूरत पड़ जाए तो हम इसे यूज कर सकते हैं। VLCC की डायमंड की किट है, तो इस पे सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। उसने बहुत अच्छे से फेशियल किया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो करेगी क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम मेरा फेशियल किया। फर्स्ट टाइम लाइफ में फेशियल किया है। हाँ, लाइफ में फर्स्ट टाइम फेशियल किया है। और सेकंड चीज़ ये भी कि मैं अपने फेस पे बहुत ही सॉफ्ट हैंड चाहती हूँ जब भी कोई फेशियल करता है, तो वही उसने किया है, बहुत अच्छे से किया है। थैंक यू सो मच जैस्मिन, थैंक यू। और ये सब करते करते चाय का टाइम भी हो गया है, मम्मा ने चाय की तैयारी कर ली है, गुलाब की पत्तियाँ उसमें डाल दी हैं और साथ ही डाल दिया है चाय मसाला। इंडियन मसालास की रेसिपी मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।
इसके साथ ही हम टी स्नैक में बना रहे हैं 5 मिनट में रेडी होने वाला पोहा। चाय के साथ साथ ही ये भी रेडी हो जाएगा। 1.5 से 2 मिनट आपको इसको पानी में सोक करके रखना है। उसके बाद छन्नी से सारा पानी निकाल के इसे साइड रख देंगे। उसके बाद एक कढ़ाई या पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, साथ ही उसमें डाल देंगे रॉ पीनट्स। मैं हमेशा रॉ पीनट्स ही यूज़ करती हूँ, इसे खुद ही मैं रोस्ट करती हूँ। तो 1.5 से 2 मिनट तक तेल में आपको इसको अच्छे से रोस्ट करना है। उसके बाद इसे निकाल के हम साइड रख देंगे। आप चाहें तो बिना पीनट्स के भी बना सकते हैं, लेकिन इससे इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है, थोड़ा क्रिस्पीपन भी आता है, इसीलिए मैं इसमें ऐड करती हूँ। उसके बाद उसी बर्तन में डालेंगे थोड़े सरसों के दाने, थोड़ा सा जीरा, साथ ही डाल देंगे जिंजर गार्लिक कटा हुआ, प्याज डाल देंगे, शिमला मिर्च डाली है मैंने थोड़ी सी, चाहे तो इसमें गाजर डाल सकते हैं, गोभी डाल सकते हैं, मटर डाल सकते हैं। गाजर गोभी वगैरह अभी मेरे पास है नहीं है, मटर मम्मा को सूट नहीं करते तो मैंने ऐड नहीं किए। अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली इसमें सॉल्ट और टर्मरिक पाउडर ऐड करना है। अगर आपके पास ग्रीन चिलीज हैं तो रेड चिली को अवॉइड करें और ग्रीन चिली इसमें ऐड करें। बस पोहा डाल देंगे और साथ ही डाल देंगे हम पीनट्स। अच्छे से इनको मिक्स कर दें ताकि सारे मसाले वगैरह आपस में अच्छे से मिल जाएं। बहुत ही जल्दी बनने वाला टेस्टी स्नैक है। जब तक आपकी चाय रेडी होती है तब तक पोहा भी रेडी हो जाता है। टिफू आ गया घूमी घूमी करके, टिफू आ गया। अच्छा नहीं देती दवाई, नहीं दे रही हूँ दवाई मैं तेरे को। अब दिन में एक बार मेडिसिन देनी होती है, उसमें भी ये इतना प्रॉब्लम करता है। डेली व्लॉग्स की आप सब काफ़ी डिमांड करते हैं, अगर डेली व्लॉग्स आने लगेंगे तो वो इसी तरह के आएंगे। डोंट नो फिर वो आपको कैसे लगेंगे। वीडियो के एंड में एक बात शेयर करना चाहती हूँ, कुछ लोग मेरे व्लॉग्स तो पसंद करते हैं लेकिन उन व्लॉग्स में स्टफ़ी को देखना पसंद नहीं करते। स्टफ़ी को मैंने स्ट्रीट से ही अडॉप्ट किया था और जब मैं उसे अपने घर लेके आई थी तब शायद मुझे भी इतना आइडिया नहीं था कि कभी वो हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। ही इज़ लाइक माई चाइल्ड, ये पहले भी मैं कई बार बता चुकी हूँ। अपने हिस्से की ज़िंदगी और उसमें मिलने वाला प्यार वो लिखवा के लेके आया है। मैं और आप कोई नहीं होते उससे वो राइट छीनने वाले। घर के बाकी मेंबर्स की तरह ही वो भी हमारी फैमिली का ही एक पार्ट है। जब भी फैमिली व्लॉग्स आएंगे तो स्टफ़ी उसमें कैसे नहीं आएगा। वैसे भी वो घर का वो सबसे छोटा मेंबर है जिसे बहुत सारी अटेंशन चाहिए होती है। सो प्लीज़ डोंट फील बैड, सिर्फ उसे देखने भर से वो आपको कुछ भी हार्म नहीं करेगा और हो सकता है इसी तरह उसे देखते रहने से आपको भी उससे प्यार हो जाए, क्योंकि वो है ही इतना प्यारा। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।